बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी मेंडलीज क्लासिफिकेशन, लोकेट पेज नंबर 60, लेक्चर 3। इन 1869 मेंडली गिव हिज क्लासिफिकेशन, ही अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू हिज लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अब जी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे उसका लॉ क्या था और उस कैसे उसने पीरियोडिक टेबल दिया। आपको नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो को प्लेस किया गया। एलिमेंट जो हैं रोमन में आपको नज़र आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब के सब क्या कहलाते हैं जी, ये 8 ग्रुप्स थे जो कि वर्टिकल कॉलम्स में प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखोगे तो हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आएंगी, 12 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो कि जिनको मेंडलीव ने जी पीरियड्स का नाम दिया था कि ये पीरियड्स कहलाते हैं। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने 8 ग्रुप्स इन 8 वर्टिकल कॉलम्स और 12 हॉरिजॉन्टल रोज जिसे उन्होंने पीरियड का नाम दिया उसमें डिवाइड किया था। अब हम पढ़ेंगे जी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये जो ग्रुप में एक सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन्होंने अगेन फर्दर बताया था कि जो 8 वर्टिकल कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तकरीबन एक दूसरे से रिलेट करती है, सेम होती हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे उन्होंने, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास किए थे। एटॉमिक मास की इंक्रीज, एटॉमिक मास कैसे कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर ऐड करें तो उसका एटॉमिक मास कहलाता है एलिमेंट का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा लिथियम से लेके बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब का जो है एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद जी उन्होंने बताया था कि एक ग्रुप देखें उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। लाइक लिथियम ले लें, सोडियम ले लें, पोटाशियम ले लें, या आप इनको देखेंगे तो आप देखेंगे इन ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं जी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल यानी ग्रुप वन के एलिमेंट जो है अल्कली मेटल्स हैं। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन सब की जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं या आपके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब के सब भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से सेम हैं। आप कह सकते हैं ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम। इसी तरह हर ग्रुप के अंदर उन्होंने बताया था कि डिफरेंट जितने भी ग्रुप्स हैं सबके प्रॉपर्टीज़ उसके एलिमेंट्स की एक दूसरे से रिलेटेड होती है या आप कहते हैं सेम होती है। अच्छा जी, ये तो हो गई ग्रुप, पीरियड और एलिमेंट्स और उसकी पीरियोडिसिटी की बात उन्होंने डिस्कस किया। आपको नज़र आ रहा कुछ वेकेंट स्पेसेस नज़र आ रही होंगी। मेंडलीव ने जी अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वेकेंट स्पेसेस भी दी थी, जैसे कैल्शियम के बाद आपको नज़र आ रहा होगा एटॉमिक मास तो दिया हुआ दैट इज़ 44, लेकिन इसका कोई एलिमेंट नहीं है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा जी 68, जिंक के बाद 68 नज़र आ रहा होगा ग्रुप पीरियड 5 पीरियड में, उसमें भी आपको एटॉमिक मास दिया 68 लेकिन एलिमेंट का नहीं पता, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो प्लेस या उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनको मेंडलीव ने उनके एटॉमिक मासेस दे दिए। कैसे दे दिए थे, कैल्शियम और टाइटेनियम जो कि 40 और 48 हैं उन दोनों को ऐड किया, उसका एवरेज लिया, 2 पे डिवाइड किया, 44 अकॉर्डिंग टू हिम वो एलिमेंट का मास होगा जो इस जगह पे प्लेस होगा। यानी ऐसे एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन उनके मासेस मेंडलीव ने पहले से बता दिए थे और उसको उन्होंने एक फर्जी नाम भी दिया था। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर उन्होंने उसको नाम दिया था जी कि उसका नाम मे बी एका बुरान हो, जबकि नीचे उन्होंने जो 68 मास फाइंड किया था उसको जी सेम उन्होंने जो है एलिमेंट का एटॉमिक वेट उसी तरह एवरेज लेके फाइंड किया और उसको नाम दे दिया जी कि इसके अंदर जो एलिमेंट होगा प्लेस होगा वो मे बी नेम्ड ऐसा एका एलुमिनियम। यानी दोनों जो वेकेंट स्पेसेस थे उनमें एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं थे लेकिन उनके एटॉमिक मासेस को उन्होंने डिस्कवर करके या आप कह लें उनका एक एवरेज लेके अंदाज़ा लगा के एक एटॉमिक मास फाइंड कर लिया और उसके बाद उनको आप कह लें जी एक फर्जी नाम दे दिया एका बुरान और एका एल्युमिनियम का। तो इस तरीके से उन्होंने जी अपने पीरियोडिक टेबल में ना सिर्फ ये एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट एनिमल को कैसे प्लेस करते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में, बल्कि उन्होंने कुछ वेकेंट स्पेसेस भी दे दी थी। वो वेकेंट या खाली जगह जो थी इससे पहले किसी भी पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई थी, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसको वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है इस पीरियोडिक टेबल को। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपका होम टास्क है जी लर्न मेंडलीव्स।